नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि गोरखपुर नरकटिया का रेलखंड को चौथी सवारी ट्रेन मिल चुकी है। आपको बता दें कि 3 ट्रेन पहले मिल चुकी हैं और एक नई ट्रेन दी गई है। इस ट्रेन की नंबर के बारे में आगे हम बताएंगे और पूरी डिटेल भी देंगे कि कब से जो है इसका शुरुआत होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 0540 गोरखपुर नरकटिया का अनारक्षित विशेष गाड़ी जो 5 अगस्त से चलने वाली थी, अब यह ट्रेन जो है 12 अगस्त से चलेगी। वहीं 0539 ये भी ट्रेन जो है 12 अगस्त से चलेगी, यानी एक जोड़ी ट्रेन मिली है। नरकटियागंज से गोरखपुर जाएगी और गोरखपुर से नरकटियागंज जाएंगे। इस ट्रेन की नंबर जो है 0539 जो 6:45 पर शाम को खुलेगी नरकटियागंज से, और ये ट्रेन 12:10 पर जो है रात को पहुँच जाएगी गोरखपुर जंक्शन। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर जंक्शन की इस ट्रेन से आने का, तो 12:30 पर दिन का जो है टाइम रखा गया है और 5:45 पर शाम को यह नरकटियागंज आपको छोड़ देगी। तो यह ट्रेन चौथी ट्रेन है और इसके पहले 3 ट्रेनें जो है लोकल ट्रेनें चलती थी। इसके अलावा सत्याग्रह और औध एक्सप्रेस, जय नायक एक्सप्रेस और शपथ क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें इस रूट पर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डेली ट्रेनों की अगर हम बात करें तो 8 ट्रेनें बन रही हैं नरकटियागंज से जो है गोरखपुर जाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर जंक्शन आने के लिए तो बहुत कम ट्रेन है, खासतौर पर रात की अगर बात करें, शाम की अगर हम बात करें तो कोई ट्रेन नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से जो है नरकटियागंज गोरखपुर के लिए रेलवे जो है ट्रेन जो है दे रहा, उसी तरह मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के लिए ट्रेन देना चाहिए। इसके अलावा जो है रक्सौल के लिए कुछ ट्रेनों को जो है देना चाहिए, क्योंकि रक्सौल और मुजफ्फरपुर के लिए बहुत कम ट्रेन है, तो इस पर जो है रेलवे को ध्यान देना चाहिए। तो आप भी क्या राय है इन ट्रेनों के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।